अस्सलाम वालेकुम बॉयज, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक उस्मान वापस आ गया है, अकील भाई भी वापस आ गए हैं, बहुत रिच दोस्त है मेरे बॉयज, आपको नहीं अंदाजा। असली नाटो खत्म हो रही है, बहुत मुश्किल काम है यार। तुम लोगों ने ना लोगों को डिप्रेशन में पहुंचा दिया, पता कैसे? नीचे पाक वीर्स के ना कमेंट्स आ रहे हैं, असली नाटो ग्रे का मैं रिव्यू लेकर आओ। नाटो ग्रे का तुम तुम्हारी वजह से हुआ भाई, खत्म कराने लगे आज। कौन सी ओरिजिनल कर रहे हैं? तो अभी हम जा रहे हैं बस जी। हमारे साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा नाटो ग्रे का यार। केयर थी ना, आप लोग केयर नहीं करते हो, अमीर हो, पैसे हैं, कहाँ इतना टाइम है यार आप लोगों के पास। यार केयर मतलब थोड़ी बहुत तो बंदा कर ले, इसकी बहुत ज्यादा केयर है। हाँ केयर तो काफी ज्यादा है इसकी। खैर अभी हम जा रहे हैं, इसका हम रैप वगैरह खत्म करवा देंगे और इसको जर्मन पेंट के अंदर ले आएंगे। तो देखें वीडियो को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब। क्या लगा अकील भाई आपको उस्मान भी रैप करवा कर? कितना यार आप लोगों ने मेरे से मैक्सिमम कोई 25-30 दिन ही लगा के रखा है ना? हार्डली एक मंथ लगा है ना। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत यार, बहुत ज्यादा केयर है इसकी। अच्छा ये करवा के आप फैमिली गाड़ी पे नहीं रैप करवा सकते, जिसने जिसने रोज निकलना है ना उस पे आप रैप नहीं करवा सकते। ये तो और ऊपर से मतलब केयर थोड़ी बहुत भी हो ना बंदा कर सकता है। हाँ। इसकी बहुत ज्यादा केयर है और तंग आ गए बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ, मैं कहाँ थी बॉडी पे? ये देखो कैसी है। हाँ उस्मान लगवा दूँ? हाँ भाई ना। बॉयज ये हैं गेम्स रैप्स की, लेट देखो ये देखो। बम्पर से उतर गया है, साइड से उतर गया है और पैनल से उतर गया है। पैनल ही है वो भी, नहीं पिछला बम्पर भी है। तो लड़के के पास पैसे वगैरह है, टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, तो वो नहीं आ सकता। कहता रैप का क्या, साल में मैं 6-7 बार करवा सकता हूँ। ठीक है उतार दे यार। आपका डेंटर किधर है? फिल्म तो उधर उतार दे यार। उसने क्या यार ये अंदर से क्योंकि ना बात ऐसी है, मेरा कोई मशवरा नहीं है इसके अंदर, मेरा रैप के अंदर भी नहीं था, मेरा पेंट के अंदर भी नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है इसका सारा ताल्लुक क्योंकि इसका मसला पैसे बहुत हैं, टाइम नहीं है। यार वसन भाई कह रहा है आज 50,000 ले ले, आज ही पेंट करके दे। ऐसे ही यकीन है, सही है, सही है। तो अभी बस जाते हैं पेंट वाले के पास और आपको मैं बताता हूँ क्या है इसका। आप पूछेंगे तो इसका रैप उतारने के कितने पैसे लिए हैं उसने? 2,000 रुपए लिए हैं। दो ही लिए जी? दो ही। 2 माह भी नहीं रहा रैप? 2 माह नहीं हुए। 2 माह नहीं हुए है ना। कितने का करवाया था? 40,000 का रैप करवाया था। सारा कुछ मिला के 50 लग गए। तो बॉयज 50,000 रुपया लगा था तब, 2 माह भी नहीं हुए रैप वगैरह करवाया। बस क्या कर सकते हैं, लड़का वही बात वहीं पे ही है।
सारी गाड़ी देखने साइड सारी है। अभी था यार का हम टाइम पे कर दिया करो बस। किसने केयर, सॉरी सर थोड़ी सी, किसने केयर करनी होती है यार। और ये देखे ना कितना पुराना मॉडल है और इसका इंटीरियर चेक करो यार, ये ऐसी नजर आती है। ये आपको 10 दिन बाद आप आ जाए आपको गाड़ी तैयार, ये ऐसी ये अब तैयार कर देनी है। ऑटो शो आ रहा है उससे पहले तैयार हो जाए। इसका क्या करें, सामान खरीद लें, कसम से ये खरीद लें, इसको बनवा लेते हैं। 15 लाख रुपया अभी ले लो, ये 25 में भी नहीं देगा। जीप जी पहले आगे फिर रहे बहुत तवे से बैठा। बस ये मार्केक्स है, इसका भाई बता रहे हैं 2.5 लाख रुपया हमने लिया डेंटिंग पेंटिंग का। कौन लोग हैं यार ये 2.5 लाख दे रहे हैं पेंट का। तो बॉयज लड़के सुन कर दिए हैं बंदे ने, कितने पैसे मांगे गिल भाई? कहाँ से करवाता हूँ काम मुझे क्या पता यार गिल भाई, टोयोटा पे 1,20,000 तो शायद वो भी दे रहे देंगे, ऐसे ही है कि कम देंगे सिर्फ 20,000 में कर देंगे। चलो अभी टोयोटा से भी पता करते हैं, ठीक है उस्मान? ठीक है, टोयोटा जा रहे हैं भाई, टोटल जेन्युइन। तुम ये तो कह सकते हो ना कंपनी से तैयार हुई है भाई। पॉइंट, वाओ आज टोयोटा से भी पता कर लेंगे यार। इतने प्यारे बच्चे रखे हैं गाड़ी में और वो वेपन का पूछ रहे हैं। हुसन का वेपन है उन्हें बता दो, वो पीछे बैठे पीछे बैठे। बॉयज टोयोटा से भी हम ले लेते हैं एस्टीमेट। मतलब आप क्वालिटी दिखाना चाह रहे हो तो ये हमने पेंट की है छत क्या रिम है ये हुई है ना सारी, ये सारी हुई छत छोड़ के छत नहीं की। अभी हम डियोटा शोरूम से निकले हैं, हमें एस्टीमेट मिला है 1,20,000 और जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सामान, ऐसे ही है बेस्ट। हाँ ऐसे ही है, बाकी आपने देखी उधर जो हुई काम बहुत अच्छा कर रहे हैं यार, यहाँ पे काम बहुत अच्छा है, यहाँ पे पेंट बूथ है और मटेरियल बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं और कंपनी है, ये बात है। अगर मैं तो इस चीज को रेकमेंड करूंगा, अगर आप कोई प्रोजेक्ट करो गाड़ी की क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है आप बाहर से 30-40 का भी काम करवा सकते हो लेकिन 1-20 के अंदर सुकून है। आपको पता है आपको गाड़ी 15-16 दिनों के अंदर डिलीवर कर देते हैं, तो मुझे तो अच्छा लगा ये काम। अब हम उस्मान को चेक करेंगे क्या करता है, वो क्या डिसीजन लेता है। और ले लो भाई, मैंने तो डिसीजन ले लिया, मेरा तो वोट टोयोटा की तरफ है। ठीक है अब चेक करते हैं इंशाल्लाह क्या करते हैं, आज का दिन तो हमारा इसी चीज में ही गुजर जाएगा, लेट्स सी। वॉइस हो गया चलान, देखो ऐसे होता है ऐसे कामों में।